नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी हुए एग्जिट पोल के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं एग्जिट पोल में नीतीश कुमार की एक बार फिर से सरकार बनती है या फिर तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होना है। ऐसे में आए एग्जिट पोल को देखें तो ज्यादातर सर्वे यह बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की सत्ता जाती दिख रही है और महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। शनिवार को जारी हुए टुडे चाणक्य की एग्जिट पोल के अनुसार महागठबंधन को 180 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, तो वहीं NDA को मात्र 55 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के खाते में 8 सीटें जाती दिख रही है। वहीं अगर हम इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की एग्जिट पोल को देखें तो तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती दिख रही है। एग्जिट पोल की माने तो महागठबंधन के खाते में 139 से 161 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि NDA के खाते में 69 से 91 सीटें आती दिख रही है। अब बात करते हैं रिपब्लिक जन की। रिपब्लिक जन के एग्जिट पोल की बात माने तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ हो सकता है और महागठबंधन सत्ता में काबिज हो सकती है। रिपब्लिक जन के अनुसार NDA के खाते में 37 से 39% वोट मिल सकते हैं और सीटों की बात करें तो 91 से 117 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन के खाते में 40 से 43% वोट मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो 118 से 138 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं रिपब्लिक जन की बात करें तो LJP को 5 से 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। अब बात न्यूज़ एक्स के एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। न्यूज़ एक्स के एग्जिट पोल के अनुसार NDA को 110-117 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, तो वहीं महागठबंधन को 108-123 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं LJP के खाते में 4-10 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 8-23 सीटें जाती दिख रही है। अब बात करते हैं TV9 भारतवर्ष की। TV9 भारतवर्ष के अनुसार NDA के खाते में 110-120 सीटें जाती दिख रही है, तो वहीं महागठबंधन के खाते में 115-125 सीटें जाती दिख रही है। LJP के खाते में 3-5 सीटें जाती दिख रही है और अन्य के खाते में 10-15 सीटें जाती दिख रही है। TV9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल अगर सही हुआ तो ऐसे में अन्य के खाते में जो आ रही सीटें हैं वह काफ़ी अहम हो जाएंगी। इनके एग्जिट पोल के अनुसार महागठबंधन के खाते में 108-131 सीटें जाती दिख रही है, तो वहीं NDA के खाते में 104-128 सीटें जाती दिख रही है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी के खाते में 1-3 सीटें जाती दिख रही है और अन्य के खाते में 4-8 सीटें जाती दिख रही है। अब बात करते हैं दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के अनुसार एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन सकती है। अगर इनके एग्जिट पोल की बात करें तो NDA के खाते में 120-127 सीटें जाती दिख रही है, महागठबंधन के खाते में 71-81 सीटें जाती दिख रही है, चिराग पासवान की पार्टी के पास भी 12-23 सीटें जाती दिख रही है, वहीं अन्य के खाते में 19-27 सीटें मिलती दिख रही है। दैनिक भास्कर ने अपने एग्जिट पोल में BJP को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाया है। अब बात करते हैं टाइम्स नाउ की। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। टाइम्स नाउ के अनुसार NDA को 116 सीटें, महागठबंधन को 120 सीटें, LJP को 1 सीट और अन्य के खाते में 6 सीटें जाती दिख रही है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के अनुसार NDA को 37.70% वोट मिलता दिख रहा है, तो वहीं महागठबंधन को 36.30% वोट मिलता दिख रहा है, LJP को 8.50% वोट मिलता दिख रहा है, तो अन्य के खाते में 37.50% वोट मिलता दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव का यह सिर्फ एग्जिट पोल है जिसे एक पूर्वानुमान के तहत हम कह सकते हैं, लेकिन इसका असली नतीजा यानी कि फैसला हम कह लें तो वह 10 नवंबर को आएगा। इस दिन हिसाब हो जाएगा कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। ऐसे ही ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।